एकदम चला उमड़ पड़ा है, पूरा चला उमड़ पड़ा है। इंशाल्लाह आने वाले 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी और यहां से संसद बनेगा गठबंधन का यहां से। हाँ जी, कोई न्याय का न्याय की बात नहीं कर रही है कोई, सारा अगर गलत सही जगह भी हो रही है तो वहाँ पे गलत दिखाने का काम कर रही है मीडिया और कुछ नहीं कर रही है जी। तो इसका मतलब ये हुआ आपका मतलब कि जितनी मीडिया यहाँ बोले तो सारी मीडिया बेवकूफ है, इसका मतलब बेवकूफ नहीं कहेंगे आप लोग। कैसा बोला, कैसा बोला आपने, नहीं कर रही है हमारे साथ में, हमारे साथ में कुछ न्याय नहीं हो रही है, यहाँ पे सब ऐसे ही हो रहा है। इसको सीधा करो पहले तो, आप उल्टा कर रखा है इसको, देखो हाँ लो वो तो होगी उल्टे कुछ लो आप सीधा हो गया भाई साहब, गठबंधन ही आगा कितनी सीटें आ रही गठबंधन इस बार गठबंधन की हाँ। देखो भैया वो तो वक्त पे पता चलेगी, ऐसे क्या बताएंगे, वोट तो आप भी देंगे ना। हाँ हम भी देंगे, क्यों ना देंगे, तुम भी दोगे हम भी देंगे, सभी देंगे वोट तो मिलके। किसको वोट दे रहे हैं आप, मोदी जी को राहुल गांधी के लिए हैं? किसको वोट दे, राहुल गांधी को मोदी जी के लिए? हम देंगे सपा को गठबंधन में, गठबंधन में हाँ, कांग्रेस को सपा की, ये दोनों गठबंधन है, दोनों को मिलेगा, दोनों को मिलेगा हाँ, दोनों को जाएगा। अच्छा हाँ, तो अगर लगता है कि सरकार अगर जाती है बीजेपी की तो खुशहाली आएगी वैसे देश में? वो तो आ गई, देखो क्या हालचाल चल लिया, हम क्या हालचाल लिया हाँ। मुसलमानों को तो हर खिलाफ ही है। क्यों, कैसी बात कर रहे हैं आप, और क्या खिलाफ बताओ, क्या नहीं मिला मुसलमानों के लिए सरकार में? कुछ नहीं मिला, बस वही है, बस वही है, गेहूँ थोड़े सारे भाई साहब, गेहूँ गेहूँ है, सिलेंडर वही है 900 रुपए का। अच्छा अब तो गेहूँ भी नहीं, अब तो बाजरा ही आ गया, बाजरा और मिल रहा है, हाँ बाजरा देती है, कब से मिला बाजरा भाई? अब तो 3-4 बार से बाजरा और गेहूँ वही मिल गया है, चावल। ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने गेहूँ देना बंद कर दिया, मोदी जी बाजरा दे रहे हैं, क्या बात सही है? उनके पास गेहूँ खत्म हो चुका है, इस टाइम बाजरा ही दे रहे हैं क्योंकि गेहूँ की फसल अभी आई नहीं है। अच्छा हाँ, आएगी तब गेहूँ मिलेगा सबके लिए, उसका कोई भरोसा नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों बाद अगर आज तक नहीं दिया, पुलिस वालों को पेपर लीक करा दिया, आज तक क्या दिया, क्या दिया इतनी युवाओं ने तैयारी कर, क्या दिया ग्रेजुएशन करो ऐसे फिर रहे, क्या दिया उन्होंने आज तक, क्या कुछ नहीं दिया, झूठे वादे किए आज तक, मतलब सारे वादे झूठे और सच वादे झूठे हैं, आज तो सच बात बता दो ना एक भी आप। अच्छा हाँ बताइए, तो अगर राहुल गांधी आ रहे हैं तो राहुल गांधी आएंगे, सब समाज का सर्व समाज का सम्मान करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे राहुल गांधी जी। लेकिन जिस तरह जनचला उमड़ पड़ा है, पूरा जनचला उमड़ पड़ा है, इंशाल्लाह आने वाले 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी और यहां से संसद बनेगा गठबंधन का यहां से। हाँ जी, संसद के सांसद, सांसद बनेगा, संसद में जाएगा, संसद पार्लियामेंट में आवाज उठाएगा संभल की। अच्छा, बीजेपी कभी ना आने की? नहीं आने की है, कभी ना आने की? नहीं आने की है। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? बीजेपी कभी नहीं आएगी संभल में, संभल में सिर्फ यही रहेगा, कांग्रेस रहेगा, गठबंधन रहेगा, बीजेपी कभी नहीं चलेगी यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ ये हो रहा है जमीनों में, इतना चढ़ा पड़ा है बस हाँ। ये हो रहा है, ये वो है हाँ। ये क्या कर रहे हो बताओ, तुम बताओ, तुम जवाब दो इस चीज का, किस चीज का जवाब दो तुम, संभल में क्या क्या हो रहा है बताओ, तुम भी तो युवा हो, तुम्हारे साथ में भी हो रहा है, तुम बताओ, बताओ सवाल का जवाब दो, चुप नहीं, सवाल का जवाब दो। देखिए 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 मेरी बात सुनिए, मुझे वाले मुझे लपेटे मत लीजिए, मेरा सवाल आपसे है तो मुझे जवाब दीजिए, लपेटे मत लीजिए, सब सब दिखाऊंगे, सब कैसे सब दिख रहा है, सब एक तरफा हो रहा है सारा काम, तो यहाँ सारी मीडिया बिकाऊ है, यहाँ पर सब बिकाऊ है, किसी के साथ में न्याय नहीं हुआ, संभल के किसी पब्लिक से पूछो। अच्छा जी, मतलब आपका मतलब है जितनी मीडिया यहाँ पर सब बिका हुआ, इसका मतलब कोई न्याय का न्याय की बात नहीं कर रही है कोई, सारा अगर गलत सही जगह भी हो रही है तो वहाँ पे गलत दिखाने का काम कर रही है मीडिया और कुछ नहीं कर रही है जी। तो इसका मतलब ये हुआ आपका मतलब कि जितनी मीडिया यहाँ मौजूद है तो सारी मीडिया बेवकूफ है, इसका मतलब बेवकूफ नहीं कहेंगे आप लोग। कैसा बोला, कैसा बोला आपने, नहीं कर रही है हमारे साथ में, हमारे साथ में कुछ न्याय नहीं हो रही है, यहाँ पे सब ऐसे ही हो रहा है, जवाब दो। आप जानते हैं गोदी बड़ी के किसको कहते हैं? हम यहाँ जो मीडिया है भी जान रहे हो, तुम लोगों को अंधे भी जान रहे हैं, तुम लोगों को अंधे भी जान रहे हैं, हम तो जानते ही नहीं, हम तो अंगूठा छाप है, फिर भी तुम लोगों को अंधे जान रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा बताओ, जवाब घुमा के नहीं, जवाब करे एक जो करे। नहीं आपको क्या लगता है कि मतलब मीडिया बेवकूफ है, इसका मतलब? चलिए थोड़ा सा हाँ, आप बताइए, ये बोला कि देश की वास्तव में सारी मीडिया बिकी हुई है, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं वो आज तक पहले भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेके हाँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई हाँ। अब मणिपुर से लेकर मुंबई तक जा रही है, किसी हाँ। भी न्यूज चैनल पर हाँ। आज तक बड़े बड़े पर नहीं दिखाया गया कि हाँ। भारत जोड़ो यात्रा में हाँ। इतने सपोर्ट या सहयोग मिल रहा है हाँ। आप दिखाओ था बात, आप हमको दिखाइए, एक बार दिखाइए। अच्छा हाँ, क्या दिखाऊं आपके लिए? ये दिखाइए कितनी भीड़ चल रही है राहुल गांधी जी के साथ, दिखा तो रहा हूँ मैं, कहाँ दिखा रहा हूँ, कोई बड़ी न्यूज चैनल नहीं दिखा रहे, आप दिखा रहे बड़े चैनल नहीं दिखा रहे,
मैं आपको गलत नहीं बता रहा। हमने तो आज तक नहीं देखा, हमने तो आज तक नहीं देखा। हम भी न्यूज देखते हैं भाई साहब, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी देख रहे हैं। और 2000 पार्टी से पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, देख रहे हैं कुछ नहीं देख रहे। हाँ ये बोल रहे हैं कि देश की मीडिया कभी कुछ दिखाती नहीं है, कैसे बोल रहे हैं? कहीं भी भारत जोड़ो यात्रा दिखाई तो आज तक बताइए न्यूज चैनल। हाँ, न्यूज चैनल ने कहीं भारत जोड़ो यात्रा दिखाई है? कौन से चैनल पर दिखाई है बताओ मुझे, चैनल का नाम बता दो एक। तो इसका मतलब यहाँ पर आज तक नहीं, न्यूज चैनल तो बेवकूफ है, जो आज तक है ऊपर वाले सब एंकर गोदी मीडिया है। अच्छा, छोटों को नहीं कह सकते? अगर आप हमारे साथ में तो हम आपके साथ में, तो हम तो साथ है, तभी तो हम आपके साथ खड़े हैं। ये दिखाइए संभल की जनता में कितना आक्रोश है कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी मीडिया यहाँ पर आती है सभी मीडिया बिकाऊ है, बड़े बड़े चैनल बिकाऊ है, बड़े बड़े चैनल बिकाऊ है। और इनका ये आक्रोश है कि संभल की जनता के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया है, कि संभल जनता के साथ कुछ न्याय होना चाहिए, यही सब लोग ये चाहते हैं।